हेलो फूडीज, वेलकम टू माय लाइफ इज कुकिंग। तो आज हम एक नई रेसिपी बनाएंगे, वो भी बड़े अलग तरीके से। वो रेसिपी है देसी पाव पेटी, यानी ये बर्गर से बहुत सिमिलर होगी पर हम एकदम देसी तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे वो है टिक्की आलू की। तो यहाँ पर हमने लिए है बॉइल्ड इन स्मैश आलू। अब हम इसमें हमारे सारे मसाले डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट। अब हम इसे डालेंगे चावल का आटा अराउंड 2 टेबलस्पून, गरम मसाला, नमक डालेंगे, धनिया जीरा पाउडर डालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और अब हम इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर और अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला पाउडर और अब हम इसे अच्छे से मिला देंगे। तो हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें से छोटी छोटी टिक्कियां बना लेंगे। और बाद में इसे हमें फ्राई करना है। तो ये हमने, आप देख सकते हैं, टिक्की बना ली है और इसकी थिकनेस काफी रखनी है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो आप चाहे तो डीप फ्राई या शैलो फ्राई कर सकते हैं। तो ये क्रिस्पी और अच्छी सी गोल्डन हो जाए तब तक हमें इसे फ्राई करना है। आपने देखा होगा हमने इसमें कुछ भी यूज नहीं किया है, ना ही तो हमने स्लरी बनाई कॉर्नफ्लोर की, ना ही तो हमने इसमें ब्रेड क्रम्स यूज किए, फिर भी अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे क्योंकि हमने इसमें चावल का आटा डाला है। तो ये हो चुके हैं, इसे हम निकाल देंगे। ये हमारी पेटीज तो हमने फ्राई कर ली है। अब हम एक सॉस बनाएंगे जो हमारे पाव पेटीज पर लगेगा। अब हम एक बाउल में लेंगे मेयोनीज। अब हम इसमें डालेंगे केचप और अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली सॉस और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमारा सॉस भी तैयार है। अब हम फाइनल असेंबल करेंगे, उसके बाद में एक हम क्विक सा टॉस कर लेंगे। अब हम फाइनल असेंबल करते हैं। तो हमने पाव लिया है, आप देख सकते हैं, और उसे बीच में से काट लिया है। अब हम इसके ऊपर सॉस लगाएंगे जो हमने बनाया है। अब हम इसके ऊपर एक पत्ता गोभी का पत्ता रख देंगे। इसके ऊपर जाएगी हमारी पेटीज, थोड़ा सा इसके ऊपर सॉस, इसके ऊपर टमाटर की स्लाइस, इसके ऊपर जाएगी प्याज की स्लाइस, और अब इसके ऊपर हम डालेंगे चीज। आप चाहे तो स्लाइस भी रख सकते हैं। और इसके ऊपर हम हमारा दूसरा ये ऐसे थोड़ा सा दबा देंगे। अब हम इसे सेक लेंगे तवे पर। तवे पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, अब हल्का सा सेक लेंगे इसे। अब हम वापस से बनाएंगे। हमने जैसे ही पाव लिया है काट कर पहले जैसे ही, अब इसके ऊपर हम डालेंगे पत्ता गोभी, आलू टिक्की, थोड़ा सा वापस से सॉस, टमाटर और प्लाइस की स्लाइस डालेंगे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे चीज और इसके ऊपर हम डाल देंगे दूसरा पाव और इसे दबाकर अब वापस से हम इसे सेक लेंगे। दोनों साइड हमें हल्का सा सेक लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने हाफ कर लिया है बीच में से। तो तैयार है हमारे देसी पाव पेटीज। हमने इसे वेफर्स एंड सॉस के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो इसे ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं या केचप के साथ भी। और जो हमने बीच में जो सॉस लगाया पाव पेटीज का, वो भी आप इसके साथ खा सकते हैं। तो तैयार है हमारी देसी पाव पेटीज। ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और माय लाइफ इज कुकिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए।
और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।